हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आपके पास है रेडमी का नोट 10 डिवाइस, तो फाइनली इस डिवाइस के लिए 12.0.3.0 के अपडेट के बाद एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट अपडेट में मार्च का पुराना सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है, लेकिन इस अपडेट में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल भी मिल जाता है। 12.0.4.0 का ये अपडेट है, 300 MB इस अपडेट का साइज़ है, और साथ में आपकी काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही हैं कि इस डिवाइस के लिए MIUI 12.5 सीरीज़ का अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा, क्योंकि Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro Max एंड काफ़ी सारी डिवाइसेज में अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। तो फाइनली दोस्तों, Redmi Note 10 डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी बात पर वीडियो पर एक लाइक बनता है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और साथ में रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों, Redmi Note 10 में काफ़ी सारे हिडन सेटिंग्स है, अगर आपको अनेबल करनी है तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। तो गाइस, अगर बात करें न्यू अपडेट के बारे में, तो सेटिंग्स में अबाउट फोन में अगर हम चेक करते हैं, तो 12.0.4.0 का एक न्यू अपडेट फाइनली Redmi Note 10 डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने रात को ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, ताकि टाइमली अपने डिवाइस में आप अपडेट कर सकें, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम के बाद फिर अपडेट डिवाइस से रोल बैक कर दिया जाता है, फिर आपको 4-5 दिन वेट करना पड़ता है। अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट आपको नहीं मिला तो 5-6 दिन वेट कर लीजिए, विद इन 1 वीक ये अपडेट आपको मिल जाएगा। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो इस अपडेट की जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अपडेट ऑफ ऑफिशियल रेडमी लिखकर, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करें इस अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर चेंज लॉग में ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं। मे का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है, जो कि इस मंथ का है, जो कि यार काफ़ी सही बात है। सिस्टम की सिक्योरिटी को थोड़ा ऑप्टिमाइज किया गया है लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ। होम स्क्रीन के अंदर अगर हम चेक करते हैं, सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाता है। गेस्चर आप अनेबल करना चाहते हैं तो अनेबल कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में पहले ऑप्शन था जब MIUI 12 का पहला अपडेट रेडमी के बाकी डिवाइसेस के लिए रोल आउट किया गया था। थीम स्टोर में अगर आप चेक करेंगे, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के अंदर आपको बॉक्सेस में सारी कैटेगरी मिल जाती हैं, तो ये भी यार थोड़े बहुत लेआउट में चेंजेस हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अपडेट में कुछ और भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलते हैं। अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन में चेक करेंगे, सबसे पहले आपको वाईफाई जो मोबाइल डाटा है उसको ऑफ करके रखना है। उसी के बाद दोस्तों, अगर आप इस पर टैप करेंगे तो ये बॉक्सेस में रिंगटोन्स आपको मिलेगी। अगर आप नेट को ऑन करेंगे तो डायरेक्टली थीम स्टोर आपका ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लेआउट आपको चेंजेस मिलेंगे। और यहाँ पर थोड़े बहुत गैलरी में एडिटिंग के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और कैमरा में भी इस अपडेट के बाद कोई नया फीचर ऐड नहीं हुआ है, और वॉल्यूम स्लाइडर भी नए वाला आपको नहीं मिलता है। इसमें लेआउट कुछ ऐसा आपको मिलता है, मिड में आपको मिल जाता है, जबकि यहाँ पर फुल स्क्रीन पे आपको मिल जाता है बैकग्राउंड ब्लर के साथ। तो लेआउट में थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे MIUI 12.5 सीरीज के अपडेट के साथ। तो दोस्तों, ये अपडेट है Redmi Note 10 डिवाइस का MIUI 12.0.4.0 का न्यू अपडेट, जो कि रिसेंटली इंडिया में रोल आउट किया गया है। इस अपडेट में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। और अगर हम बात करें MIUI 12.5 सीरीज़ के अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको ज़रूर से डिवाइस में कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, साथ में लेआउट में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro, Pro Max एंड Redmi Note 10S जैसे डिवाइसेज में अपडेट रोल आउट हो चुका है, जो कि Redmi Note 10 सीरीज़ के ही डिवाइसेज हैं। ओनली Redmi Note 10 डिवाइस बचा है Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आई है कि इस डिवाइस में भी जल्दी, काफ़ी जल्दी MIUI 12.5 सीरीज़ का अपडेट आपको मिलेगा। अभी इसके बाद जो अगला अपडेट रोल आउट होगा, उसमें डायरेक्टली MIUI 12.5 सीरीज़ का अपडेट रोल आउट होगा, और अगले महीने ये अपडेट आपको मिल जाएगा। जून के एंड तक दोस्तों, Redmi Note 10 डिवाइस में ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले भी अपडेट रोल आउट हो सकता है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।